आज अपने इस वीडियो में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। तो देखिए, बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, मतलब बोन मैरो में इसकी उत्पत्ति होगी और इसका विभेदीकरण व परिपक्वन भी कहाँ पे होगा, बोन मैरो से। मतलब बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से बोर्न होता है और इसका विभेदीकरण और परिपक्वन, मतलब ये मैच्योर भी बोन मैरो में ही होगा। अब अपने बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। तो टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन इसका विभेदीकरण व परिपक्वन कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है, इसलिए अपने इसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बनाता है और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाता है। बस इतना ही आपको लिख के आना है। आंसर आपके नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे अगर आप ये लिख के आओगे, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब अपने बात करते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।